वेलकम टू हेल्पलाइन। शुरू करते हैं 21 फरवरी के करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा मिशन चलाया जाएगा? तो देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन मिशन चलाया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो तिलहन मिशन यह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के द्वारा चलाया जाएगा। किसके द्वारा? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के द्वारा चलाया जाएगा। एंड इसके अलावा सरकार ने देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने की निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। एंड यह घोषणा 19 फरवरी को की गई थी। कब की गई थी? 19 फरवरी को की गई थी यह घोषणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के प्रतिनिधि आयोग को गठित करने की मंजूरी दी है, यह कितने नंबर का विधि आयोग है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के विधि आयोग के 22वां विधि आयोग को गठित करने का मंजूर किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह आयोग 3 वर्ष तक कार्य करेगा। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक कार्य करेगा। एंड भारतीय विधि आयोग क्या है, यह भी इम्पोर्टेंट है। यह समय समय पर सरकार द्वारा गठित एक गैर वैधानिक निकाय है। क्या है यह? समय समय पर सरकार द्वारा गठित एक गैर वैधानिक निकाय है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय उच्चायोग ने भारतीय रक्षा उपकरणों पर संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो भारतीय उच्चायोग ने भारतीय रक्षा उपकरणों पर संगोष्ठी का आयोजन किया है बांग्लादेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में किया गया है यह संगोष्ठी का आयोजन। एंड यह 19 फरवरी को किया गया है। कब किया गया है? 19 फरवरी को किया गया है। इसमें 12 भारतीय फर्मों ने हिस्सा लिया था। किसने हिस्सा लिया था? 12 भारतीय फर्मों ने इसमें हिस्सा लिया था। एंड इसके मुख्य अतिथि थे बांग्लादेश उद्योग मंत्री नूरुल माजिद महमूद हुमायूं। कौन थे? नूरुल माजिद महमूद हुमायूं, जो कि बांग्लादेश के उद्योग मंत्री हैं। एंड ऑप्शन में है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद एंड प्रधानमंत्री है शेख हसीना। एंड कैपिटल को तो आपको पता चल ही चुकी है, ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2022 की AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब क्वेश्चन में है AFC, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। क्या हो जाएगी? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। एंड यह घोषणा AFC की महिला समिति ने की है। किसने की है? AFC की महिला समिति ने की है, वो भी 19 फरवरी को। एंड यह मलेशिया के कुआलालंपुर में की गई है। कहाँ की गई है? मलेशिया के कुआलालंपुर में की गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन आयोजन में किसने कांस्य पदक जीता है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन आयोजन में आदित्य कुंडू ने कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? आदित्य कुंडू ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें यानी कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में आदित्य कुंडू के साथ साथ आशु हरदीप ने भी कांस्य पदक जीता है। एंड आदित्य कुंडू ने 72 kg का एंड आशु ने 67 kg का एंड हरदीप ने 97 kg का कांस्य पदक जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने रन फॉर इंडिया टी का आयोजन कहाँ किया है? किसका आयोजन? रन फॉर इंडिया टी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन त्रिपुरा में किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। क्या है त्रिपुरा की कैपिटल? अगरतला। एंड त्रिपुरा के गवर्नर है रमेश बेस। एंड यह इंडिया टी के साथ त्रिपुरा टी को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए त्रिपुरा चाय विकास निगम के द्वारा, यानी कि TTDC के द्वारा 19 फरवरी को रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किया गया है। कब किया गया है? 19 फरवरी को किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस राज्य ने अपना 34वां राज्यत्व दिवस मनाया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य ने, किसने? अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना 34वां राज्यत्व दिवस मनाया है। एंड यह क्यों मनाया जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। एंड 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल का राज्य का दर्जा मिला था। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। एंड इसी के लिए 20 फरवरी से, यानी कि 20 फरवरी 1987 से हर वर्ष राज्यत्व दिवस मनाया जाता है। एंड अरुणाचल की कैपिटल हो जाएगी ईटानगर। क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी ईटानगर। एंड गवर्नर है ज्योति प्रसाद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 फरवरी को। यह हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। तो इस बार की थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसकी थीम? क्लोजिंग द इनक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। क्या है? क्लोजिंग द इनक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस है इस बार की थीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में राम मंदिर परिसर विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मंदिर परिसर विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है नरपेंद्र मिश्रा को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नरपेंद्र मिश्रा यह कौन है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रमुख सचिव रह चुके हैं। कौन है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रमुख सचिव रह चुके हैं। एंड इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया है? नरेंद्र मिश्रा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एंड इसके अलावा, नरेंद्र मिश्रा जी के अलावा चंपत राय को महासचिव नियुक्त किया गया है। चंपत राय जो कि विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष है, चंपत राय जिन्हें इस ट्रस्ट का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हैरी ग्रीग का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो हैरी ग्रीग यह फुटबॉल से संबंधित थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हैरी ग्रीग यह पूर्व मैनचेस्टर यूनाइटेड और उत्तरी आयरलैंड के गोलकीपर हैरी ग्रीग थे। कौन थे? पूर्वी मैनचेस्टर यूनाइटेड और उत्तरी आयरलैंड के गोलकीपर थे। एंड इन्हें म्यूनिक के नायक के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? म्यूनिक के नायक के रूप में इन्हें जाना जाता था। एंड इन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया जा चुका था। किससे सम्मानित किया जा चुका था? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया जा चुका था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम
किसके नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। एंड इस क्वेश्चन की पूरी एक्सप्लेनेशन भी कमेंट बॉक्स में बतानी है। एंड इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारा आज का ये सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल। धन्यवाद।